टर्की में है, तुर्की में है, और उस जगह को आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, इस्तांबुल के नाम से जानते हैं आज हम। 15th सेंचुरी के दौरान जो कुस्तुंतुनिया है, यह इट वॉज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न ईस्टर्न रोमन एम्पायर, यानी कि 15th सेंचुरी में यह पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था और बहुत ही प्रॉस्पेरस जगह है, बहुत ही समृद्ध शहर है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे, बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे, ये ट्रेड का सेंटर था, एपिसेंटर था। आप देखिए, हुआ ये कि 1453 में यहां पर एक अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, और आक्रांता जो थे दे आर नोन एज ऑटोमन टर्क्स, उनका नाम है ऑटोमन टर्क्स। यह एक एम्पायर था, ऑटोमन साम्राज्य, जिसका साम्राज्य अफ्रीका में, यहां पर यूरोप के अंदर भी था और इसका साम्राज्य एशिया के अंदर भी था। यानी आप देखोगे कि ड्यूरिंग 15th सेंचुरी दिस वॉज ए मोस्ट पावरफुल एम्पायर। बाद में आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो क्रीमिया का वार भी जो हुआ था, क्रीमिया का रूस के साथ जो वार हुआ था, टर्की रूस के साथ, वो इसी के साथ हुआ था। तो ऑटोमन टर्क्स ने कुस्तुंतुनिया पर आक्रमण किया और इस जगह पर कब्जा कर लिया। मींस दिस प्लेस वॉज सब्जुगेटेड बाई, कैप्चर्ड बाई ऑटोमन टर्क्स, राइट। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ बच्चों, एक बहुत भयानक परिणाम हुआ, लैंडमार्क इसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। अब वो था कि ऑल लीडिंग रूट्स, लीडिंग ट्रेड रूट्स फ्रॉम यूरोप टू ईस्टर्न कंट्रीज came in the hands of Turks। अब इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी देशों के यहां से पूर्वी देशों के साथ जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे उनके ऊपर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। आई मीन टू से लाल सागर, रेड सी, यानी कि रेड सी कहिए, नंबर एक, गल्फ ऑफ पर्सिया है जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं, और तीसरा रूट है भूमध्य सागर का जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, यानी कि हिंदी में भूमध्य सागर। लाल सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के द्वारा जो व्यापार होते थे
उसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जितने भी पश्चिमी देश थे, पश्चिमी यूरोपीय देश, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, हॉलैंड हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, डेनमार्क हुआ, ये जितने देश थे आई मीन टू से कि यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित थे, अब इनके पास पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कोई मार्ग नहीं था। दे हैड नो एनी लैंड रूट्स और एनी रूट्स टू ट्रेड विथ द ईस्टर्न कंट्रीज बिकॉज ऑल द ओल्ड रूट्स वेयर पॉजेस्ड बाई ऑटोमन टर्क्स एंड सो दिस नेशन हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू फाइंड आउट ए न्यू रूट टू क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट विथ द एशियन कंट्रीज एंड दिस प्रॉब्लम्स एंड दिस नीड्स लेड टू बिगिन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। और यही आवश्यकता ने भौगोलिक खोजों की प्रक्रिया को जन्म दिया एंड एज ए रिजल्ट कोलंबस गॉट अमेरिका एंड वास्को द गामा गॉट इंडिया। तो सोचो कि यदि तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार नहीं होता तो इतना जल्दी भौगोलिक खोजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, होता लेकिन इतना शीघ्रता के साथ नहीं होता जितना शीघ्रता के साथ ये खोज किया गया। तो ये भी एक बहुत ही डिसाइसिव घटना था जिसने यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ठीक है, आई सपोज ऑल ऑफ यू आर गेटिंग प्रॉपरली। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स इफ यू हैव प्लीज टेल मी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अंतिम बैकग्राउंड है बच्चों कि राइज ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय, यूरोप में राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्यों का उदय। अब ये राष्ट्रीय राज्य क्या है भाई, व्हाट इज नेशन स्टेट? सी, जब यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म समाप्त हुआ, जब इसका एंड हो गया, देन इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रांग मोनार्की। सामंतवादी व्यवस्था को मजबूत राजतंत्रों ने रिप्लेस किया। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रांग मोनार्की, मजबूत राजाओं ने सामंतवाद को रिप्लेस किया। आप देखोगे इस दौर में एलिजाबेथ इंग्लैंड का क्वीन है, लुई 14 ये फ्रांस का राजा है जो अपने आप को ही राज्य बोला करता था। तो इस दौर में देखोगे कि 15 और 16 सेंचुरी में
यूरोप के अंदर मजबूत राजतंत्रों का उदय हुआ और इन राजाओं ने भी इन व्यापारी कंपनियों को सहायता भी दिया, संरक्षण भी दिया और सहयोग भी दिया। जैसे आपके सामने हम दो तीन एग्जाम्पल रखते हैं समझने के लिए। मेरा पहला एग्जाम्पल है कि आप देखोगे कि वास्को द गामा जहां से आया यानी पुर्तगाल, तो 15 सेंचुरी में पुर्तगाल में देखोगे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है डॉन हेनरिक, जिसका नाम है डॉन हेनरिक। हेनरिक ये पुर्तगाल का किंग था यानी प्रिंस था, वहां का राजकुमार भी था, बाद में राजा भी हुआ। डॉन हेनरिक जो है वह नेविगेशन में काफी इंटरेस्ट रखा करता था, इसका नेविगेशन में काफी इंटरेस्ट था, काफी इंटरेस्ट था नेविगेशन में इसका। आपको जानकर ताजुब होगा कि इसने पुर्तगाल में एक स्कूल खोला था, स्कूल फॉर नेविगेशन। इसने पुर्तगाल में नेविगेशन के लिए स्कूल खोला था और उस स्कूल में एक बहुत फेमस छात्र हुआ करता था, एक बहुत फेमस स्टूडेंट हुआ करता था, एंड दिस मैन वॉज कोलंबस। और उस स्कूल का छात्र रह चुका था कोलंबस। एक कोलंबस कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, कोलंबस हैज बीन ए पार्ट ऑफ द स्कूल सेटअप बाई डॉन हेनरिक, वही कोलंबस जो बाद में अमेरिका को खोजा। तो डॉन हेनरिक को नेविगेशन में इतना इंटरेस्ट था कि ही इज बेटर नोन एज हेनरी द नेविगेटर, इसका नाम पड़ गया हेनरी द नेविगेटर। नाम देखिए, ही केम टू बिकम मोर पॉपुलर विथ निक नेम हेनरी द नेविगेटर बिकॉज दिस मैन टूक मोर इंटरेस्ट इन नेविगेशन। एंड आई डोंट हैव डाउट टू टेल यू दैट द होल बैकग्राउंड, द होल बैकग्राउंड ऑफ पुर्तगीज कंपनी लेड बाई वास्को द गामा हु केम टू इंडिया इन 1498 वॉज गिवन बाई द ऑनेस्ट एफर्ट्स मेड बाई इट्स प्रिंस बेटर नोन एज हेनरी द नेविगेटर। हमें कहने में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि हेनरी द नेविगेटर के ही प्रयासों का परिणाम था कि बाद में पुर्तगाली कंपनी का भारत में आगमन हुआ। हालांकि वह बेचारा जिंदा नहीं रहा, जब वास्को द गामा आया देन ही वॉज नो मोर, उसका मृत्यु हो चुका था, बट हिज कंट्रीब्यूशन वॉज मोमेंटस, इट वॉज हिस्टोरी, है ना। तो पहला तो आपने देख लिया कि राजाओं का इसमें क्या रोल था। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा मेरा एग्जाम्पल है कि दिसंबर 1600 और ये है 1664, दो एग्जाम्पल और भी है। इस डेट में क्या हुआ कि इंग्लैंड में एक निजी कंपनी है बेटर नोन एज EIC, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी,
या एक निजी कंपनी थी, और इस कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया। इसके नाम पर एक चार्टर, चार्टर को हिंदी में हम कहते हैं अधिकार पत्र कहते हैं, चार्टर को हम क्या कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। एक अधिकार पत्र जारी किया गया ईआईसी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, जो कि उस समय इंग्लैंड का महारानी थी, और इस चार्टर पत्र में कहा गया कि यू आर एम्पावर्ड बाई ब्रिटिश क्राउन टू ट्रेड विद द ईस्टर्न वर्ल्ड फॉर 15 ईयर्स विथ मोनोपोली। इस चार्टर में कहा गया कि आपको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया जा रहा है। दिस चार्टर वुड बी टेकन एज ए मोनोपोली। वॉट आई मीन टू से, आई मीन टू से अगेन इन दिस केस ऑल्सो वी कैन इजिली नोटिस द रोल प्लेड बाय स्टेट, है ना। अब मेरा पॉइंट भी यही था कि इन व्यापारी कंपनियों के पीछे वहां के राज्यों का भी भूमिका था, यानी कि राज्यों ने भी इन कंपनियों के लिए एक अनुकूल रास्ता बनाने में, एक अनुकूल मार्ग बनाने में भूमिका का निर्वहन किया। उसी तरह देखेंगे आप, यह 1664 है, इस समय फ्रांस में राजा हुआ करता था लुई 14 राजा हुआ करता था, इस समय यहां का राजा था लुई 14, ही वॉज द फ्रेंच किंग, और उसका जो वित्त मंत्री था, दिस मैन वॉज कोलबर्ट। कोलबर्ट जो है वह लुई 14 का फाइनेंस मिनिस्टर था कोलबर्ट। इसी कोलबर्ट के द्वारा फ्रांस के अंदर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया, जिस कंपनी को हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सब मिलाकर के आपने देखा कि किस तरह से 15 सेंचुरी के दौरान जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का दौर शुरू हुआ, उसके पीछे वहां एक बैकग्राउंड था। अब इसके बाद यदि हम लोग प्रत्येक कंपनी के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं, तो इसके पहले हमारे दिमाग में एक अवधारणा बन गया, एक कंसेप्ट बन गया, एक स्टोरी बन गया कि इसके पीछे कैसा वहां का बैकग्राउंड था, जिसके वजह से इन कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हुआ। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि कंपनियों का आगमन जो शुरू हुआ, उनका क्रम कैसा था, उनका फाउंडेशन कब हुआ, उनका भारत में अराइवल कैसे हुआ, हम इनके बारे में अब अपना दूसरा जो इशू है उसको हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद हमारा तीसरा जो इशू होगा वो अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लेट मी बिगिन द नेक्स्ट पॉइंट, द अराइवल ऑफ कंपनी एंड द फाउंडेशन ऑफ कंपनीज इन यूरोप एंड इंडिया, ठीक है।
देखिए यदि आपने पिछले वर्षों का पेपर देखा होगा बीपीएससी का, तो आपको उसमें मिलेगा कि दो तरह के क्वेश्चन जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उनके स्थापना से संबंधित जो तथ्य है उनसे पूछे गए। तो सबसे पहले हम इसको हम फोकस करते हैं कि यहां से प्रश्न जो पूछे गए हैं वो किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि राइट ऑर्डर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन कंपनीज और दूसरा हमारा पॉइंट है कि राइट ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। दो सवाल है और बच्चे लोग हमेशा हम देखते हैं कि कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कभी कभी होता यह है कि हम आंसर जानते रहते हैं, हमें आंसर पता होता है, लेकिन इतना ज्यादा आत्मविश्वास हमारे अंदर हो जाता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पढ़ना भी नहीं है, तो उत्तर लगा देना है। और हम बिना जाने समझे हम ऑप्शन जो है चुन लेते हैं, चलो बी वाला सही है, सी वाला सही। जब घर पर आते हैं और जब हम सही गलत का जब हम आकलन करते हैं कि हमने कितना सही किया, हमने कितना गलत किया, तो हम पाते हैं कि अरे यार ये तो सवाल गलत हो गए, ये तो हम जानते थे, ये गलत कैसे हो गया। दिस इज टोटली लैक ऑफ अटेंशन। यह एरर का एकमात्र कारण है लैक ऑफ नॉलेज नहीं है बट लैक ऑफ अटेंशन है कि आपके पास ज्ञान तो है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। सो आई मीन टू से कि ऑल ऑफ यू शुड बी ऑलवेज अटेंटिव व्हेन यू अपियर इन एग्जामिनेशन। जब परीक्षा में आप अपियर होते हैं तो यू शुड बी टोटली अटेंटिव, चाहे सिंपल हो चाहे डिफिकल्ट हो, दोनों क्वेश्चन पर इक्वल अटेंशन देना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, बस एक शब्द है केवल दोनों को डिफरेंट करता है, वो शब्द क्या है पढ़िए। यहां फाउंडेशन दिया हुआ है और यहां पर अराइवल दिया हुआ है। अराइवल का मतलब हो गया आगमन, इसका मतलब आगमन हो गया और इसका मतलब स्थापना हो गया, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। पूरा सेंटेंस सिमिलर है, केवल दो शब्दों का अंतर है। तो आइए हम अब देखते हैं कि जितने कंपनियां भारत में आई उनका गठन का, उनका फाउंडेशन का, उनका एस्टेब्लिशमेंट का सही ऑर्डर क्या है, सही सीक्वेंस क्या है। देखिए
ये है 1498, ये है 1600, ये है 1602, ये है 1616 और ये है 1664। इन दिस टाइम पुर्तगीज कंपनी वॉज सेट अप। 1498 में सबसे पहली बार पुर्तगालियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया। तो सबसे पहला ऑर्डर में होगा पुर्तगीज। इसके बाद दूसरा है आपका इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश है। हालांकि देखेंगे आप तो इंग्लिश कंपनी का गठन एक साल पहले ही हो चुका था, यानी 1599 में ही देखेंगे आप, 1599 में ही देखेंगे कि इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु एक कंपनी का गठन किया गया था। और जिन व्यापारियों ने इस कंपनी का गठन किया था दे आर नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स। उनका नाम है मर्चेंट एडवेंचरर्स, एडवेंचरर्स। They are basically private traders. ये private traders हैं, ये कोई सरकारी उपक्रम नहीं है, सरकारी विभाग नहीं है। It was a private enterprise. तो 1599 में ही इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन हो चुका था जिसको कुछ निजी व्यापारियों ने गठन किया था, जिनके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स। एडवेंचर का मतलब होता है बच्चों कि जो अपना पैसा लगाने का रिस्क लेता है, इसको हम शुद्ध हिंदी में उद्यमशीलता बोलते हैं। यानी ऐसे सौदागर जो उद्यमशील थे, जो पैसा लगाने में रिस्क लेना चाहते थे, दे आर नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स। तो इनको तो हम 1599 में ही गठित कर दिया था, बट इन 1600 दिस कंपनी वॉज गिवेन चार्टर बाई देन ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। लेकिन दिसंबर 1600 में जाकर के इस कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु एक अधिकार पत्र दिया गया। तो फिर भी आप दोनों तरह से देखेंगे तो आपका जो है इसका नंबर सेकंड आएगा। इसको लेंगे तब भी सेकंड पोजीशन आएगा, इसको लेंगे तब भी सेकंड पोजीशन रहेगा। लेकिन आपको याद दोनों रखना है, ये उनका गठन का समय है और ये उनका चार्टर मिलने का समय है, यानी कि उनको अधिकार मिलने का समय है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है आपका जिसको हम डच कहते हैं, डच कंपनी। डच कंपनी का यहां अर्थ है कि जो कंपनी हॉलैंड की है, यानी हॉलैंड को ही हम डच कहते हैं। हॉलैंड कहिए या इसे नीदरलैंड कहिए, नीदरलैंड कहिए या हॉलैंड कहिए, तो यह कंपनी हॉलैंड की थी जिसको हम भारत में डच कंपनी के नाम से जानते हैं। तो दिस वॉज द थर्ड इन ऑर्डर, ये सही क्रम में तीसरा कंपनी था जो भारत में आया, जो उनका गठन हुआ वहां पर हॉलैंड में, क्योंकि हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। चौथी कंपनी है, इस कंपनी का संबंध डेनमार्क से है, यानी डेनिश कंपनी।
डेनिश कंपनी जो है, नाम से ही इसका सूचना मिलता है कि यह कंपनी कहां की होगी, डेनमार्क की होगी, ठीक है। यानी आपको याद करना है कि जितने कंपनियां भारत में आई, उन कंपनियों का उनके देश में, आई मीन टू से यूरोप में, गठन होने का सही क्रम में डेनिश कंपनी का नंबर 4 है। पहला पुर्तगीज हो गया, दूसरा ब्रिटिश हो गया, तीसरा हॉलैंड का डच कंपनी हो गया, और चौथा है आपका डेनिश कंपनी, और पांचवा और अंतिम कंपनी जो है वो है फ्रेंच कंपनी, जिसका गठन हुआ 1664 में। देखिए, तो आपको याद रखना है कि यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ करेगा नहीं, मैचिंग करने के लिए दे सकता है कि मैच करिए, इसे सुमेलित करिए, पूछ सकता है, या इस ऑर्डर में थोड़ा बदलाव कर सकता है, जहां डच है वहां डेनिश कर सकता है, जहां डेनिश है वहां इंग्लिश कर सकता है। तो यदि आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो एक सवाल पक्का है, वो गलत नहीं होना है, ठीक है। तो ये है फाउंडेशन पर आधारित सवाल कि इनका गठन यूरोप के अंदर कैसे हुआ। नाउ लेट मी टेल यू कि द राइट ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया, यानी भारत में इन कंपनियों का आगमन का सही क्रम क्या है, नंबर एक, और दूसरा प्लेस कौन सा है जहां ये कंपनियां भारत में आई। यानी कि यहां दो क्वेश्चन है, पहला भारत में कब आई, और दूसरा भारत में सबसे पहले कहां आई। यानी कि इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए यहीं से, एक फाउंडेशन से और दूसरा अराइवल से, ठीक है। तो आइए हम अराइवल से जो क्वेश्चन है उसको हम फोकस करते हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, राइट ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, यानी भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का आगमन का सही क्रम क्या है, ठीक है। देखिए, पहला है 1498, ये हो गया ईयर, हो गया किस वर्ष आई। दूसरा हुआ कंट्रीज, किस देश से इसका संबंध है, और तीसरा है कि प्लेस इन इंडिया भारत में सबसे पहले कहां आई। 1498 में आप देखेंगे कि जो कंपनी भारत में सबसे पहले लैंड किया, दैट वाज पुर्तगीज कंपनी, सीवास पुर्तगीज कंपनी, और इस कंपनी का सबसे पहले भारत में जहां आगमन हुआ वह प्लेस है कालीकट जगह का नाम है, जो केरला के अंदर है, मालाबार के तट पर है। ये मालाबार के तट पर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, मालाबार का एरिया है।
और यह स्पाइस का हब था, यहां मसालों का खेती बहुत अच्छा होता था और पुर्तगाली मसाला चाहते भी थे। तो सबसे पहले वास्को द गामा गॉट हिमसेल्फ लैंडेड एट कालीकत, ए प्लेस ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, बेटर नोन फॉर स्पाइस ट्रेड एंड स्पाइस कल्टीवेशन, जहां मसालों का व्यापार भी होता था और मसालों का उत्पादन भी होता था, राइट? दूसरा है दूसरी कंपनी का आगमन का समय है 1605। अब वह कंपनी है डच कंपनी, उस कंपनी का नाम है डच कंपनी, जो कि हॉलैंड की कंपनी है। और सबसे पहले यह कंपनी जहां भारत में आती है उसका नाम है मसूलीपट्टनम, उसका नाम है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। बच्चों, जो मसूलीपट्टनम जगह है वह उस समय एक राज्य हुआ करता था गोलकुंडा, उस समय एक राज्य हुआ करता था गोलकुंडा, यह मुस्लिम राज्य था, इट वॉज ए मुस्लिम स्टेट। और इसका लोकेशन जो है मसूलीपट्टनम का, दिस प्लेस वॉज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यह भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित था और यह कपड़ों का खान था, यहां से कपड़ों का व्यापार अच्छा होता था, यह बहुत ही अच्छा पोर्ट था, बंदरगाह भी था और यहां से कॉटन इंडस्ट्री का यानी सूती कपड़ों का यहां से व्यापार होता था। अच्छा, जो तीसरा कंपनी है, वैसे तो भारत में वह कंपनी का सबसे पहले आगमन जो होता है 1608 में होता है, 1608 में होता है भारत में, जब ब्रिटिश कंपनी का एक प्रतिनिधि है, डेलीगेट्स है, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस नाम है, कैप्टन हॉकिंस नाम है, हॉकिंस जो कि ब्रिटिश कंपनी का डेलीगेट है और वह भारत में व्यापार के लिए आता है, सुविधा के लिए आता है। और उस समय हिंदुस्तान में जो मुगल एम्परर था वो जहांगीर हुआ करता था, तो कैप्टन हॉकिंस वाज इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्परर टू गेट सम कंसेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया, यानी भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वह मुगल शासक जहांगीर से कुछ मतलब सुविधा प्राप्त करना चाहता था, रियायत प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उस समय नहीं मिला, इट वॉज नॉट ग्रांटेड, इट वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन 3 साल के बाद आप देखोगे, इसलिए हमने सोचा कि यहां पर इसको हम मेंशन करते हैं 1611 में और इसके बाद 1613 में ब्रिटिश कंपनी ने अपना 2 फैक्ट्री स्थापित कर दिया भारत के अंदर, 2 फैक्ट्री कहां कहां, 1611 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री लगाया गया, जहां डचों का भी फैक्ट्री था मसूलीपट्टनम। और इसके बाद उसके 2 साल के बाद यानी 1613 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है सूरत, तो सूरत में भी ब्रिटिश कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मसूलीपट्टनम एंड सूरत वेयर द फर्स्ट 2 places इन इंडिया वेयर ब्रिटिश कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्रीज। मसूलीपट्टनम और सूरत
भारत में दो ऐसा पहला स्थान है जहां ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपना फैक्ट्री लगाया गया, ठीक है ना। तो आपको याद ये रखना है कि जब प्रश्न करे कि भाई भारत में सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी कब आई, किसके द्वारा आई, द आंसर वुड बी सर्टेनली कैप्टन हॉकिंस, बिकॉज ही वाज़ द फर्स्ट मैन लीडिंग टू ईआईसी इन इंडिया। वो पहला आदमी था जो कंपनी के डेलीगेट के रूप में आया था। ही वॉज कंपनी रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर द देन मुगल एम्परर। उस समय मुगल एम्परर था जहांगीर, उसके दरबार में आया था। बट जब फाउंडेशन की बात होगी, जब फैक्ट्री लगाने की बात होगी, देन द आंसर वुड बी 1611 एट मसूलीपट्टम एंड 1613 एट सूरत। सूरत, ये सूरत है, गुजरात का पोर्ट है सूरत, और ये मसूलीपट्टम हो गया, ये मसूलीपट्टम हो गया, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है ये। अच्छा, एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, और ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, जो कि कॉटन के लिए काफी फेमस जगह था। ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस जगह था, मैंने बताया। ये एरिया जो है मालाबार हो गया, दिस एरिया इज मालाबार फॉर स्पाइस एंड दिस एरिया इज कोरोमंडल कोस्ट फॉर कॉटन। तो डच कहां आए इस एरिया में, कोरोमंडल में आए, जबकि पुर्तगीज कहां आए, मालाबार में आए, और अंग्रेज कहां आए, अंग्रेज जो है सूरत में और मछलीपट्टनम में आए, ठीक है। तो आपने ऑर्डर देखा होगा, ये तीसरा ऑर्डर है, यानी कि तीसरा जो कंपनी आई वो दैट इज ब्रिटिश कंपनी। अब आइए मैं चौथा लेता हूं, जो चौथा कंपनी है, फोर्थ इन ऑर्डर विच केम टू इंडिया वॉज डेनिश कंपनी, वह डेनमार्क की कंपनी है, और उसका भारत में आगमन का समय है 1620 उसका भारत में आगमन का समय है, यानी 1620 में आया। कंपनी वॉज डेनिश कंपनी, और जिस जगह में आया भारत में, वह जगह जो है, उस जगह को हम ट्रैंकोबार बोलते हैं, उस जगह को हम ट्रैंकोबार बोलते हैं। ट्रैंकोबार बोलते हैं। ये ट्रैंकोबार कहां पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका प्लेस आप देखोगे कि ये प्लेस तमिल रीजन का है, यानी तमिलनाडु का जगह है, तमिलनाडु का जगह है इस समय ट्रैंकोबार। और ट्रैंकोबार में पहली बार डेनिश कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया, राइट। अंतिम है आपका 1668, यानी 1668, यह अंतिम जो है कंपनी है, और यह कंपनी जो है दैट वॉज फ्रेंच कंपनी, यह फ्रेंच कंपनी है विच केम टू इंडिया इन 1668, जो 1668 में भारत आई, और इस कंपनी के द्वारा अपना पहला फैक्ट्री लगाया गया सूरत में। इसका पहला फैक्ट्री कहां लगा? सूरत में लगा। सूरत, सूरत का मतलब है बच्चों गुजरात का बंदरगाह सूरत है। कौन? गुजरात का बंदरगाह सूरत है,
जहां पर अंग्रेजों का भी कंपनी, जहां अंग्रेजों का भी एक फैक्ट्री लगा हुआ था। तो सूरत में फ्रेंच कंपनी ने भी अपना फैक्ट्री स्थापित किया। अब एक बार हम इसको रिमाइंड करते हैं, यदि हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ कि भारत में आने वाली कंपनियों का, आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही ऑर्डर क्या है और सही प्लेस क्या है, तो आराम से हम बता सकते हैं कि पहला कंपनी 1498 में, कंपनी नेम वाज पुर्तगीज, द प्लेस वाज कालीकट। कालीकट कहां पर है? तो मालाबार के तट पर है, केरला में है, स्पाइस के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा है 1605, कंपनी का नाम क्या है? डच कंपनी है। सबसे पहले कहां आई? उत्तर मसूलीपट्टनम में आई। ये मसूलीपट्टनम कहां पर है भाई? तो मसूलीपट्टनम जो है वो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है और उस समय वह गोलकुंडा राज्य में स्थित था, एक अच्छा बंदरगाह था और सूती कपड़ा का केंद्र था। अच्छा, तीसरा है कि भारत में सबसे तीसरा नंबर का जो कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी है। वैसे तो कंपनी सबसे पहले 1608 में आती है, जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है, लेकिन उसका फैक्ट्री लगा पहला 1611 में, कहां पर? मछलीपट्टनम में। और 1613 में कहां पर? सूरत में। सूरत कहां पर है? गुजरात में, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, और सूरत से भी हमें क्या मिलता है? सूरत से भी हमें कॉटन मिलता था और सूरत से हमें इंडिगो भी मिलता था। इंडिगो का मतलब नील, यानी सूरत से हमें इंडिगो भी प्राप्त होता था, जिसको हम नील कहते हैं, जो कि कपड़ों के रंगाई उद्योग में काम में आता था। तो ये भी एक अपने आप में खास है। चौथा कंपनी है डेनिश कंपनी, जिसका समय हमने कहा 1620। जगह कहां पर है? तो ट्रैंकोबार। ये ट्रैंकोबार कहां पर है? तमिलनाडु में। और सबसे अंतिम कंपनी जो है वो 1668 का है, जिसका नाम है फ्रेंच कंपनी। और फ्रेंच कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहां लगाया? कहां लगाया? सूरत में लगाया। तो सब मिलाकर के आप देख रहे हो बच्चों कि यहां से आपको कई क्वेश्चंस प्राप्त हुए, है ना? जैसे कि आपने देखा कि बैकग्राउंड कैसा था, नंबर एक। फिर आपने देखा कि कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। फिर आपने देखा कहां पर हुआ। फिर आपने ये भी समझा कि कंपनियों का उनके देश में गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक परिचय था जो कि बहुत ही जरूरी था, है ना? अब इस परिचय के बाद हम लोग, अब जितनी कंपनियां आई जिनके बारे में हमने उल्लेख किया, उन सभी पर बारी बारी से हम लोग फोकस करेंगे कि भारत में आई तो उनका कौन गवर्नर था, उनका वर्किंग मेथड क्या था, उनका काम करने का तरीका क्या था, उनका प्रोग्राम कैसा था, उनकी भारत में कहां कहां फैक्ट्रियां थी, उनका योगदान क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था, और कैसे उनका पतन हो गया। जैसे पुर्तगीज कंपनी है, तो डचों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव घटने लगा और जिसको हम लोग पतन के रूप में पढ़ते हैं। तो इन सारे बातों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।